आपको बता दें इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, समाजवादी पार्टी के महासचिव और बदायूं लोकसभा सीट से पार्टी के घोषित उम्मीदवार शिवपाल सिंह यादव ने बुधवार को घोषणा किया है, यानी आज घोषणा किया है कि जनता मांग पर उनके बेटे आदित्य यादव को उनकी जगह यहां से सपा के उम्मीदवार होंगे। और वहीं महासचिव ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि युवाओं की मांग पर आदित्य यादव इस सीट से चुनाव लड़ेंगे और नवरात्र में ही अपना नामांकन पत्र भी दाखिल करेंगे। आपको बता दें उन्होंने कहा कि मैं मतदान की अपील करने के लिए यहां आया हूं, मुझे ही उम्मीदवार बनाया गया था, लेकिन युवाओं की जो मांग है वो आदित्य यादव के साथ है और यहां से आदित्य यादव ही चुनाव लड़ेंगे और नवरात्र में नामांकन भी दाखिल करेंगे। वहीं आपको बता दें बदायूं में लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण के तहत 7 मई को मतदान होना है, जिसके लिए 12 अप्रैल से अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी और 19 अप्रैल तक नामांकन पत्र दाखिल किया जा सकता है। उधर आपको बता दें समाजवादी पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इस पार्टी का जो विजन डॉक्यूमेंट कहा जा रहा है उसे पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के मुख्यालय घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया। इसमें सरकार ने 25 गारंटी दी है, सपा ने 20 पन्नों की घोषणा पत्र जारी किया है। आपको बता दें सपा ने घोषणा पत्र बनाते समय लोगों से सोशल मीडिया पर सुझाव भी उन्होंने मांगे थे। वहीं अखिलेश यादव ने कहा कि हमने अपने विजन डॉक्यूमेंट को जनता की मांग पत्र हमारा अधिकार नाम दिया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपने उम्मीदवारों की 10वीं लिस्ट जारी कर दी है और बीजेपी ने चंडीगढ़ से इस बार किरण खेर का जो टिकट है वो काट कर संजय टंडन पर भरोसा जताते हुए उन्हें टिकट दिया है और इस लिस्ट में भाजपा ने उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल की सीटों पर प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया है। वहीं भाजपा के पवन सिंह की जगह SS अहलूवालिया को टिकट दिया गया है। वैसे में देखना होगा कि वहां पर कौन परचम गाड़ते हुए नजर आता है।